सर एक इनियोस का देखिए चार्ट, इनियोस स्टायरो। सर 15 मिनट्स की चार्ट्स के ऊपर ये एक नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है आरएसआई पे, एंड सेम ऑन द वर्ज ऑफ नेगेटिव डाइवर्जन 826 के आसपास फिर से देखने मिल रहा है यहीं पे। और अगर हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। मुझे लगता है कि अगर कोई अगर पोजिशनली इसका व्यू मांग रहा है तो 635 के ऊपर ही इसके अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन मिल सकती है, तब तक इसके अंदर बाइंग करने की चेष्टा ना करें। क्यों तो डाइवर्जन जो है ऑन 15 मिनट्स 16 मिनट्स वो निगेटिव डाइवर्जन है, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी मंदी और भी आ सकती है। आइदर गो फॉर 810, अगर वहां तक आता है तो थोड़ा सा बाइंग करने की पोजीशंस में आ सकते हैं वहां पे, या 835 834 की लेवल क्रॉस करेगा तो बाइंग की लेवल में आ सकते हैं। अगर यहाँ से जिसके पास में स्टॉक है पैसा मिल रहा है तो बेच दीजिए, नुकसान हो रहा है तो होल्ड करिए, 810 में और एक्यूमुलेट करिए, या 834 के बाद में और ऐड करना शुरू कर दीजिए। स्टॉक अच्छा चलने वाला है सर। जी तो ये बढ़िया सब तरीके से बता दिया, नई एंट्री कब करनी है, करनी है कि नहीं करनी वो भी बता दिया है, और अगर है तो क्या करना है वो भी अच्छे से समझा दिया है पंकज जी ने। अगर ये 950 के ऊपर निकलता है तो क्या अच्छा बाइंग कैंडिडेट बन जाएगा? सर देखिए मैं दो लेवल देता हूं आपको इसके, जो कि आज का हाई तोड़ेगा तो वहीं ब्रेकआउट दिख रहा है। दो बार कोशिश किया है वहां तक जाने की, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में 831 रुपये 75 पैसे तक ही ऊपर गया हुआ है वो। और पहला अटेम्प्ट था जो मार्केट के बिल्कुल ओपनिंग बेल में था, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं कि एल्गो सेट्स होते हैं वहां पे, तो एक स्पाइक मिल जाता है वहां पे कभी कभार, तो वो वाली बात है। 832 की इसकी एक मतलब एक सिग्निफिकेंट लेवल हम लोग समझ के चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशनरी जाना है अगर हम लोगों को, तो 835 का इसके अंदर लेवल क्रॉस हो जाना चाहिए। ये तो मैं 15 मिनट 60 मिनट की चार्ट्स के ऊपर ये बात बता रहा हूँ सर, लेकिन ऑन द वर्क ये अगर सेम रेट्स सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर निकल के आ रहे हैं सर 835 के, तो 950 का वेट करना नहीं चाहिए। मैंने तो दोनों चीजें बताई है सर, कंडीशनल बाइंग करिए या तो 834 के ऊपर या तो 810 तक। बीच वाली जो लेवल है ये थोड़ी इंडिसिसिव है, अगर आप रिस्क टेकिंग प्लेयर है तो प्रोबेबिलिटी साइड जो दिख रही है वो ऊपर के साइड में दिख रही है, क्योंकि तो 4 रुपए का ही इसके अंदर मोमेंट बचा हुआ है मेरी लेवल के, और नीचे में 20 रुपए का लेवल बचा हुआ है, तो चांसेस है कि ऊपर की लेवल में जाए, मोमेंटम कंटिन्यू रखे, तो यहां से भी बाय कर सकते हैं। 950 रुपए का तो हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, उसके बाद में हम ठीक लोग रिवाइव करेंगे क्या करना है वो। है नील, वो ठीक है आप अपने हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म आपका नजरिया रहता है, लेकिन जो पोर्टफोलियो वाले जो एनालिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं लॉन्ग टर्म वाले, उनके लिए थोड़ा वो अलग तरीके से कई बार सोचते हैं, तो वो शायद वो वाला भी हो सकता है रीजन, क्योंकि मैं सर जितना मैं जानता छोटी हूँ सी जो बात, दर्शक का सवाल है वो बहुत लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो वाले होते कोई हैं। दिक्कत नहीं सर, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, या मैं कुछ जी बताना जी चाह रहा हूँ आपको, या आपके जी माध्यम बिल्कुल से अपने जो बिल्कुल दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा। देखिए सर, जी पोर्टफोलियो 3 तरीके के बनते हैं, कि एक डिफेंसिव, एग्रेसिव और एक मॉडरेट टाइप का पोर्टफोलियो बनता है। एज फैक्टर को ध्यान में रख के पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि हम लोग किस तरीके के पोर्टफोलियोज में जाएंगे। दूसरी बात ऐसे है कि फ्रंटलाइन स्टॉक में जाना है या कोई रिटायरमेंट वाला कुछ प्लान करना है तो इस तरीके के स्टॉक्स नहीं लिए जा सकते हैं। अगर कितना भी पैसा लगा दो और कितना भी टाइम लगा दो, और इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर आप लोगों की अगर बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तो हो सकता है कि ये एक रिस्क वाली बेट बन जाए वहां पे, चली तो चांद तक है नहीं तो शाम तक है। तो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग किसके लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उनका एज क्या है, उनका पर्पस क्या है और उनकी सोच क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही पोर्टफोलियो बनाना। नहीं तो ऐसे भी हो जाएगा ना सर, कोई अगर 30 लाख का हम लोगों का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन का अगर क्राइटेरिया है तो एक बार पोर्टफोलियो बना दे किसी का कोई, जो मैं तो रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं पोर्टफोलियोज वगैरह नहीं बना सकता हूँ, तो इस तरीके के जो 30 लाख का पोर्टफोलियो बना दिया,
तो उसको कॉपी पेस्ट हो सकता है ना सर सारी चीजें, लेकिन हालांकि वैसे नहीं होता है और वैसे करना भी नहीं चाहिए। जो लॉजिक होता है उसके पीछे वाला, वो बहुत डिफरेंट चीजें चलती है। तो इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर बहुत लंबा ज्यादा व्यू रख के कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि फंडामेंटली भी इसके अंदर बहुत लंबी स्टोरी होगी कुछ, क्योंकि जी तो मैं आपसे बात कर रहा था तभी देख रहा हूँ सर सारी चीजें। ठीक है, साथ के साथ देखते चलते हैं और बढ़िया उसमें से रिसर्च में से क्या निकल के आ रहा है वो भी हमारे साथ में शेयर करते चलते हैं पंकज जी।